हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जितने भी छात्र हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब एनटीपीसी का फॉर्म भरा जाना स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि 14 तारीख से। आपको बता दें कि आप लोग एनटीपीसी की तैयारी किस तरह से करेंगे। ये रेलवे द्वारा लाया गया एक वैकेंसी है, ये सभी को पता है। इसमें एक दो पोस्ट नहीं, इसमें टोटल 11,558 पोस्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 11,558 पोस्ट आ रहा है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप लोग किस तरह से इस पोस्ट, इस वैकेंसी का तैयारी करेंगे, मैं सारा चीज इस चैनल में आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को अच्छी तरह से और इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करेंगे। चलिए मैं बताना चाहूंगा 11,558 पोस्ट जो है वो कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं। पहले बता दूं तो पहले अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट यानी 12 पास है वो भी भर सकते हैं। दूसरा है ग्रेजुएट, वो भी भर सकते हैं। इसमें भी कुछ पोस्ट है, इसमें भी पोस्ट है, दोनों मिलाकर टोटल 11,558 पोस्ट आया हुआ है। टोटल कितना आया? 11,558 पोस्ट आया। ये सारा चीज मैं बता चुका हूं इससे पिछला वीडियो में, ठीक है। इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। मैं इस वीडियो में मेन चीज जो बताने के लिए आया हूं वो मैं इस वीडियो में बात करूंगा। जैसे देखिए, मैं इस वीडियो में बताने के लिए आप लोगों को आया हूं एनटीपीसी 2024 की तैयारी कैसे करें, कहां से करें, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या हमको करना पड़ेगा, किस YouTube वीडियो से फ्री में हम तैयारी करेंगे। मैं खुद कर रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं 100% 6 महीना बाद मैं मिलूंगा आप लोगों को YouTube चैनल पे। ये एनटीपीसी का जॉब लेगा या कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेगा, तो उस तरह आप लोग फिर बाद में पूछो किस तरह से तैयारी करते तो आप लोगों को भरोसा नहीं होगा। इसलिए मैं शुरू से ही मैं ठान लिया हूं कि शुरू से ही आप लोगों को गाइड करूंगा, खुद भी करूंगा और आप लोग को भी कराऊंगा जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। चलिए आज बताता हूं कि हम लोगों को एनटीपीसी में पढ़ना क्या है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, तीन सब्जेक्ट हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। मतलब यूपीएससी को भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन यूपीएससी में मैथ रीजनिंग छोड़कर अगर ऑप्शनल में रखेंगे तो ठीक है पढ़ना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए हाई लेवल एग्जाम छोड़कर जितने भी लो लेवल एग्जाम है, मैं भी तीन फॉर्म भरा हूं, एक बीएसएससी यानी बिहार का, एक आया एसएससी वो आरपीएफ और एनटीपीसी, तीन फॉर्म मैं भी भरा हूं। तीनों फॉर्म में किस तरह से तैयारी करूंगा, तीनों का रणनीति एकदम से सेम है, बस आप लोगों को ध्यान में रखना है। पढ़ना क्या है? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, तीन सब्जेक्ट पढ़ना। देखो भाई, मैथ का तैयारी मैं कहां से कर रहा हूं, आप लोग भी कर सकते, आदित्य रंजन सर है उनसे कर सकते हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ के देखा, अच्छा लग रहा। मैं यूपीएससी की दृष्टि में भी तैयारी कर रहा हूं, दृष्टि का कोचिंग करने के बाद मैं आके इसका तैयारी कर रहा। सोचो आप लोगों को केवल तो इसी चीज का तैयारी करना है ना, ध्यान रखोगे तो। ये तो हो गया, अब बात करेंगे रीजनिंग का। किसका बात कर, रीजनिंग। रीजनिंग बहुत सारे टीचर का मैं पढ़ा, सबको बोलता पीयूष सर का पढ़ो, लेकिन पीयूष सर से थोड़ा वो लेंदी, थोड़ा लंबा पढ़ाते हैं। इसलिए एक एक यूट्यूब पर चैनल है, सर्च करिएगा रीजनिंग बाय दीपक सर, ठीक है, उनसे देखिएगा, वो अच्छा समझाते हैं। उनका मैराथन क्लास देखिए, समझ मैं उससे कर रहा हूं, उनको समझ में आ रहा है। अब बात आया जीके, जीएस, करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैं बता दूं, आजकल के एग्जाम जितने भी हो रहे हैं सब में करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं उत्कर्ष क्लास से, यानी कुमार गौरव सर से। मैं खुद पढ़ रहा हूँ डेली लगातार, जब से मैं दिल्ली आया तब से उसका वीडियो देख रहा हूँ उनका, बहुत चीज समझ में आ रहा, बहुत चीज वो पढ़ाते हैं, अच्छा लग रहा है ना। और आप लोग भी देख सकते हैं, मैं यूपीएससी के साथ तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग तो केवल ये तीन चार नॉर्मल जॉब तैयारी करेंगे, मैं यूपीएससी के साथ कर रहा हूँ, उधर भी टाइम दे रहा दृष्टि में, इधर भी दे रहा हूँ। आप लोग सोच लो मैं किस तरह से टाइम बैलेंस कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं इसका भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात रहा है जीके, जीएस। जीके, जीएस ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर मैं बात करूंगा लूसेंट ले लो, क्या ले लो, लूसेंट, लूसेंट ले लो। और लूसेंट की तैयारी से आप कर सकते हैं, मैं लूसेंट ही केवल पढ़ रहा हूँ। लूसेंट के साथ मैं दृष्टि का भी नोट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, दृष्टि का भी नोट्स पढ़ रहा हूँ। आप लोग अगर दृष्टि का नोट्स चाहिए तो हमारा चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, वहां से आप ज्वाइन करके इसको देख सकते हैं। तो ये था पूरा एनटीपीसी का, पूरे बारे में एनटीपीसी के बारे में मैं सारा चीज आप लोगों को बता दिया। अब मैं बात करूंगा, जैसे देखिए दोस्तों, अभी जीडी का भी फॉर्म आया है, जीडी भी बहुत कोई फिलअप किए होंगे, उसका भी तैयारी इसी तरह से हो सकता है, केवल उसमें एक हिंदी पेपर जुड़ जाता है, ठीक है, उसका भी तैयारी कर लो, अच्छा रहेगा। और जैसे कि एक उत्पात सिपाही आया था झारखंड का, तो वो भी स्टूडेंट सेम था, उसका भी तैयारी कर रहे थे, तो उसका भी तैयारी आप इस वीडियो के माध्यम, मतलब जितने भी हम आपको स्ट्रेटजी बताया हूँ
वही इसको फॉलो कीजिए, आपका ये तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज आप लोगों को जब समझ में आ गया है तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, एक बार लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सभी के पास इस वीडियो के बारे में और इस चैनल के बारे में पता चले। मैं खुद के तैयारी के साथ आप लोगों को मैं तैयारी करवा रहा हूँ और मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग केवल कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, मैं IAS का भी तैयारी कर रहा हूँ, प्लस दरोगा का भी कर रहा हूँ, जितने सारे फॉर्म आ रहे उसका भी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि मैं झारखंड GPSC का तैयारी कर चुका हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा GS थोड़ा अच्छा है और अभी दृष्टि से पढ़ रहा था और अच्छा हो जाए। GS का मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, केवल मैथ रीजनिंग का ले रहा हूँ और मैथ रीजनिंग कहाँ से कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बता दिया। एक आदित्य रंजन सर है, हमको अच्छा लगा उनका ट्रिक माध्यम, क्योंकि वो सिलेक्टेड है उनसे समझ में आ रहा है। और रीजनिंग हमको कोई सर समझ में नहीं आया, लेकिन एक सर आया दीपक बाय रीजनिंग करके यूट्यूब पे चैनल है, उनसे हम देख रहा हूँ, आप लोग भी देखो। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मैं तब आप लोगों को फिलोसफी दूंगा, तो आप लोग कहाँ से कहाँ बता रहे हैं। अब जब आप लोग मैं मिल के साथ में तैयारी कर रहे हैं, जब सबका होगा तब बात करेंगे, तब मजा आएगा। ठीक है, जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं सब में सेम सिलेबस होता है। ठीक है, कोई चीज अलग कोई स्ट्रेटजी, हाँ अरे कर हम मॉक टेस्ट कहाँ से मारेंगे, मैं भी ये मैं मार रहा हूँ यहाँ से क्या टेस्ट बुक से, आप लोग भी टेस्ट बुक से मारोगे। ठीक है, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे साथ 6 महीना के अंदर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।